सफलता के लिए माहौल बनाना बहुत जरूरी है। क्या है कि पॉजिटिव एटमॉस्फियर, स्फूर्तिदायक एटमॉस्फियर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी देने वाला एटमॉस्फियर बहुत जरूरी होता है। देखिए, परिस्थिति अच्छी रही तो उससे भी मनस्थिति अच्छी हो सकती है, यदि परिस्थिति खराब है तो मनस्थिति भी खराब हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल देखो कि फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है। अब विराट कोहली को हम बोले कि वो जिम्बाब्वे की टीम में है, केन्या की टीम में है, तो इतना अच्छा खेल नहीं सकता था। वो इंडिया की टीम में माहौल बनता है तो अच्छा अपना खेल का प्रदर्शन करता है। बीज कितना भी अच्छा हो, मिट्टी यदि खराब है, जमीन खराब है, तो बीज कितना भी अच्छा रहा तभी फायदा नहीं है। बीज के लिए माहौल बहुत जरूरी होता है। तेंदुलकर के साथ में कोई भी बैटिंग करता ना तो ठीक है, चिंता मत कर, मैं हूं ना, और वो अच्छा बैटिंग करता था, कोई भी मजे से 40-50 रन बना सकता था, क्योंकि वो सपोर्ट दे रहा है। सचिन तेंदुलकर जो नॉन स्ट्राइकर है उसको सपोर्ट दे रहा है। तो माहौल बनाना बहुत जरूरी है और माहौल आपको सफलता दे सकता है। अभी देखिए, मैं आपको लेके जा रहा हूँ 10,000 साल पहले, जब द्वापर युग था, महाभारत का युद्ध, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध था, बहुत घनघोर युद्ध चालू था, जंग बहुत जबरदस्त था। और उसमें क्या हो गया कि जो अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, उसको घेर कर कौरवों के सेना ने, बड़े बड़े लोगों ने उसको घेर कर मार दिया अभिमन्यु को। वो चक्रों में फंस गया और उसको चक्रव्यूह में से बाहर आना मुश्किल हो गया, तो उसको मार दिया। मरने के बाद में अभिमन्यु को जो लाश थी, वो लाश को जयद्रथ ने लात मार दिया और उसको गालियाँ दिया। अभी जब अर्जुन वहाँ पहुँच गए तो अर्जुन को ही पता चला कि भाई अभिमन्यु तो मर गया। अभिमन्यु का मरने का जितना दुख उसको नहीं हुआ, उससे ज़्यादा दुख कि भाई मरे हुए मेरे बेटे को लात मारा जयद्रथ ने, उसका हुआ। और उसने वहीं प्रण लिया कि कल सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का वध करूँगा, मार दूंगा उसको। देखो उस समय ऐसा था कि एक बार का सूर्यास्त हो गया, बाद में जंग खेला नहीं जाता था, और जैसे ही सूर्योदय होता है तो जंग चालू हो जाता है। दूसरे दिन यदि मैं सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं खुद को जला दूंगा। अब ये अर्जुन का प्रण जो है वो सुन के सब हैरान हो गए। कौरवों में बहुत खुशी हो गई, बोले एक दिन तो जयद्रथ को छुपाने का है, एक दिन छुपा लिया अर्जुन तो मर जाएगा। और पांडव हैरान कि अभी ये कैसा होगा, कल एक दिन ही बाकी है और एक दिन में ही जयद्रथ को मारने का है। उन्होंने उसको छुपा लिया। श्री कृष्ण का और अर्जुन का जो रथ था, वो रथ उसको ढूंढने निकला जैसे दूसरे दिन का सूर्योदय हो गया। तो ढूंढ रहे सूर्य जा रहा है, ढलते जा रहा है सूर्य, सूर्योदय चालू हो गया, सूर्य जैसा हो गया उनका रथ निकल गया। और उसको ढूंढ रहे दोपहर को 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, और जयद्रथ उनको ना मिल पाए। इधर पांडव हैरान और कौरव बहुत खुश कि अभी थोड़ा ही समय बचा है, सूर्यास्त होने वाला है, एक बार सूर्यास्त हो गया तो बस बाद में अर्जुन तो मरेगा ही मरेगा। अब जैसा सूर्यास्त होने लगा, टाइम आ गया, तो पांडव भी श्री कृष्ण को बोले, भगवान अभी आप ही है, अभी आप ही कुछ तो भी करो और बचाओ, नहीं तो अर्जुन मर जाएगा इसमें। भगवान बोले ठीक है, भगवान कृष्ण बोले ठीक है मैं करता हूँ। और उन्होंने क्या किया, बादलों को आदेश दिया कि सूरज जो है, सूर्य उसको ढक दो। बादलों ने कृष्ण का आदेश मान लिया और सूर्य को ढक दिया। जैसे ही सूर्य ढक गया वैसे अंधेरा हो गया। सबको ऐसा लगा कि सूर्यास्त हो गया है, और बहुत कौरव खुशी में उन्होंने सब लोग इकट्ठा जमा हो गए। जयद्रथ को उन्होंने बाहर निकाला और बोले चलो अभी अर्जुन का टाइम आ गया, अभी उसने खुद को जला देने का है क्योंकि भाई सूर्यास्त तो हो गया। जयद्रथ जैसे ही बाहर आ गया वो अर्जुन को गाली देने लगा और अर्जुन का उपहास करने लगा, अपमान करने लगा कि अब तो ये मरने वाला है। जैसे ही जयद्रथ बाहर आ गया वैसे ही भगवान कृष्ण ने बादलों को फिर आदेश दिया कि बाजू हो जाओ, सूरज को बाहर निकालो। जैसे ही बादल दूर हो गए सूर्य फिर से दिखने लगा और भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन उठाओ गांडीव, ये सूरज और ये जयद्रथ। इसलिए मराठी में बोलते हैं कि यहाँ सूर्य यानी हाथ जयद्रथ, ये सूरज है और ये जयद्रथ है, उठाओ गांडीव और लगा दे उसको और मार डाल। जैसे अर्जुन ने गांडीव उठाया और उसका वध कर दिया। तो अभी हम बोल सकते हैं कि अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया, खून किया और वध किया और उसका मतलब जंग में उसको मारा, ये हम बोल सकते हैं। मगर एक्चुअली काम किसने किया, एक्चुअली कृष्ण ने किया। हमको यहाँ से यही सीख लेनी है कि हमारी सफलता में बहुत लोगों का हाथ होता है। कोई लोग पर्दे के पीछे होते, कोई लोग पर्दे के सामने होते हैं, और उनको सबको हमें धन्यवाद देना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। सफलता में सभी लोग जब साथ में होते हैं तभी सफलता मिलती है।
मगर कुछ लोगों उनके दिमाग में सफलता जाती है और लोग बोलते कि नहीं मेरी वजह से सब हुआ, मेरी वजह से हुआ, और फिर आखिर में उनका सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए हमको यहीं से देखना है कि भाई सफलता जो है वो दिमाग में नहीं डालना है, सफलता के लिए माहौल क्रिएट करना है, और माहौल जब क्रिएट हो जाता है, माहौल तैयार हो जाता है, तब सफलता मिलती है। जब कृष्ण ने बादलों को आदेश दिया और बोला कि सूर्य को ढक डालो, पांडव उनको पूछने लगे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं मैं माहौल बना रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ, जो माहौल में जयद्रथ बाहर आ जाएगा। तो ये यहाँ से यही सीख लेनी है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।